बरतानवी वजीरे सेहत का समाजी दूरी इख्तियार करने पर मुसलमानों से इजहार तशक्कुर। कहते हैं कि रवां साल मुस्लिम कम्युनिटी रवायती तरीके से ईद नहीं मना सकेगी। बरतानिया के वज़ीर सेहत मैट हैंकॉक ने कहा है कि रमजान में समाजी दूरी का ख्याल रखने पर मुस्लिम कम्युनिटी के शुक्रगुजार हैं। एहसास है कि इस साल मुस्लिम कम्युनिटी रिवायती तरीके से ईद नहीं मना पाएगी। उन्होंने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद भी पेश की है। उन्होंने बताया है कि वायरस के अब तक 3 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान लोग अपनी जहनी सेहत का भी खास ख्याल रखें। हुकूमत ने हेल्थ चैरिटीज को मदद के लिए 4.2 मिलियन पाउंड फराहम किए हैं। कोविड अलर्ट लेवल 3 में जाने वाले हैं, जो कि वायरस के फैलाव में कमी का इशारा है। छुट्टी के मौके पर एहतियाती इकदाम का खास ख्याल रखा जाए। कोरोना टेस्ट का नतीजा 20 मिनट में आने का तरीकाकार आजमाया जा रहा है। मैट हैंकॉक ने कहा है कि कोरोना एंटीबॉडीज टेस्ट लंदन के लोगों का 17%, दीगर इलाकों के लोगों का 5% मस्बत आया है। वजीर सेहत ने बताया है कि एंटीबॉडीज टेस्ट से पता चलता है कि मुतल्लिका शख्स वायरस का शिकार हुआ था कि नहीं। उन्होंने कहा है कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम 1 जून को मुतारिफ करवाया जाएगा।